नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सर विजय कुमार में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से लेकर के आए हैं हम मैथ्स ट्रिक के द्वारा। प्रतिशत का हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, उसी को हम आगे करेंगे। उसी के कुछ क्वेश्चंस किस तरीके से एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं वो हम आज करेंगे। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या में पहले 20% वृद्धि की जाती है, बाद में यहाँ पे 10 है दोस्तों, 10% कमी की जाती है, तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो देखिएगा, जितने प्रतिशत वृद्धि हुई है पहले वो 100 में ही वृद्धि होगी, प्रतिशत है तो 120 हो गया। जितने प्रतिशत कमी हुई है, 10% कमी हुई, तो उसमें से 100 में से ही घटाएंगे, 90 हो गया। देखो लिखा भी है यहाँ पे कि सीधा 20 बढ़ाया 100 पर और सीधा 10 घटाया 100 पर। 100 से ज़्यादा वृद्धि हो तो ठीक, 100 से ज़्यादा तो वृद्धि और 100 से कम तो कमी। अब देखिएगा करना क्या है, इन दोनों को हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 100 पे था इसलिए 100 वाली जीरो है पीछे से काट देनी, तो इसलिए हमारे पास में 12 और 9 रह जाएगा, 12 और 9 की गुना हो जाएगी, वो हो जाएगी 108। तो 108 आ गया हमारे पास में, बट होता क्या है, ये तो पूरा तो 100 होता है, तो इसका मतलब जो 8% आ गया, 8% जो आ गया वो वृद्धि आ गई हमारे पास में। नेक्स्ट है, किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि और चौड़ाई में 10% कमी करें तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। देखो, अगर लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो मान लिया हम 100-100 मान कर चलें, तो 100 हमारे पास में ये हो जाएगी 110, और अगर कमी कर दी जाए तो 90 हो गई, तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, 11 और 9 की गुणा आ जाएगी तो 99 हो गया। तो 99 देखो होता कंप्लीट कितना होता है, 100, तो ये 100 से कितना हो गया, एक कम हो गया, तो हमारे पास में जो आ गया आंसर वो 1% की कमी आ जाएगी। नेक्स्ट है, चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित या यथावत रहे, कि वैसा का वैसा खर्च रहे, हम कितने प्रतिशत उसको बढ़ा दें अगर 20% मूल्य में कमी हो गई है। देखो 20% कमी हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, वो हुई है आपकी 100 पे अगर 20% कमी हुई तो 80 रुपये हो गया, ठीक है। 80 से वापस आना है हमें कितने पे, 100 पे आना है, ठीक है। तो क्या हो गया, 20 कमी कितने पे है, 80 पे, ठीक है। इसका मतलब तो यहाँ पर आपके पास में 100 पे निकालना है, 100 पे कितना हो जाएगा, 25%। तो हम 25% अगर यथावत जो है खपत को बढ़ा देते हैं तो यूं का यूं आपके पास में आंसर आ जाएगा कि इतने में जो मूल्य है चीनी का वो बराबर हो जाएगा, या फिर खपत जो है वो बराबर हो जाएगी अगर 25% हम खर्च को बढ़ा दें। नेक्स्ट है, यदि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। ऐसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ए की आय बी से 20% अधिक है, मतलब बी की मान लें हम 100, उसे 20% अधिक तो 120 हो गया, ठीक है। हमेशा ही हम उल्टे से शुरू करेंगे हम, ठीक है, मान करके उसको पूरा मान लेते हैं, हमेशा ही अंतिम से प्रारंभ करो, ठीक है। बी ए से कितना कम है, ठीक है, ये निकालना है कितने प्रतिशत कम है। देखो 20 कम है कितने पे, 120 है तब, और 100 होगा तो तब कितना कम हो जाएगा हमारे पास में, 16 सही 2/3, तो ये हमारे पास में आ जाएगा। कम और अधिक हमेशा ही अंतर बताते हैं, ये हम पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट है, किसी 400 लीटर विलयन मिश्रण में 10% पानी है, इसमें और कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि पानी 20% हो जाए। देखो 400 लीटर के अंदर 10% पानी है, मतलब तो 90% क्या हो गया, नमक है मान लिया मिश्रण के अंदर विलयन में, तो 10% पानी है, तो 20% हमने पानी बनाना है, 20% पानी बन गया तो नमक क्या रह गया, 80% रह गया। इस टाइप के उसमें जो मिलाया जा रहा है उसको हम काम में नहीं लेंगे, जो मिलाएं या हटाएं उसे काम में ना लें। सीधा ही घटाना है कि 400 में से कौन सा जो है
मिश्रण जो है वो उतना उतना रह जाए, क्या बनाना हमें, तो वो हम यहाँ बनाएंगे जो ये चेंजेस आया है। तो 90/80 डायरेक्ट कर देंगे यहाँ से, जो जितना प्रतिशत में चेंज आ रहा था 90/80 बराबर में जो आएगा वो यहाँ जो आ रहा है आपका वो उतने लीटर पानी आ गया उसका मतलब। तो बट यहाँ सॉरी विलियन आ गया, तो विलियन जो यहाँ पे आया है वो 450 बता रहा है, बट हमारे पास में तो 400 है विलियन, तो कितना और मिला दें हम इसके अंदर कि ये आपके पास में कंप्लीट आ जाए। तो हमारे पास में 450 में से 400 हमने माइनस कर दिया, तो ये अपने पास में विलियन आ गया कि हम जो है कितने लीटर पानी और मिलाएं, 20% हो जाए, तो 50 लीटर पानी मिलाने पर 20% हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट है, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करें तथा हर में 10% कमी करें। डायरेक्ट घटा देंगे 100 में से 10% की वृद्धि और 10% आपके ऐसे में कमी कर देंगे, तो परिणाम जो है वो क्या आता है 11/15 आता है। तो ये आ जाएगा आपके पास में, ए में अगर वृद्धि कर दी 110, बी में कमी कर दी तो 90 हो गया, तो ये 11/15 के बराबर आता है। ए बटा बी को रकम रख लें और उसको साइड में लेकर के जाएँ, 9/11, 11 से 11 कैंसिल, और ये 3 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 3 और 3 5 15, तो ये 3/5 आ गया आपके पास में मूल रूप से भिन्न। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, देखिए किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया और कुछ विद्यार्थियों ने इंग्लिश विषय लिया, कुछ ने दोनों विषय लिए। यदि 80% विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया तथा इससे आधे विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए। देखो कि 80% ने लिया मतलब 100 में से 80 ने लिया, तो उससे आधे आधे मतलब इसका 40% हो गया आधा, तो 40% ने ले लिया कितना इंग्लिश विषय, तो 40 और इसको मिला दें तो 120 मिलकर के बन गया। बट जो कुछ कुल जो टोटल होता है वो तो हमारा 100 ही होता है, तो इसलिए हम 120 में से 100 को घटा दें, तो जो बाकी रह गया वो दोनों ने ले लिए विषय, मतलब हिंदी और इंग्लिश, वो 20% ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने लिए हैं। नेक्स्ट है, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलो चीनी कम खरीदता है। चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ भाव ज्ञात कीजिए। देखिएगा 20% वृद्धि हुई, तो अगर 500 का 20% निकालें तो हमारे पास में आ जाता 100 रुपये, मतलब 100 रुपये बढ़ गए, 20% मतलब 100 रुपये बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास में 100 रुपये में वो क्या गया 5 किलो चीनी कम खरीदता है, मीन्स 100 रुपये में 5 किलो चीनी आई है, इसका मतलब प्रति किलो का बताना है हमें किलो का बढ़ा हुआ भाव, तो 5 से उसको भाग दे दें 100 को, तो क्या आ गया 20 रुपये प्रति किलो भाव बढ़ा है। नेक्स्ट है, रमन की सैलरी 50% कम हो गई, इसके बाद 50% बढ़ गई, उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। देखो 50% कम हुई तो 50% ही रह गई, ये 50 और 50% बढ़ी तो 150 हो गई, तो ये 150 दोनों गुणा किया और प्रतिशत था, इसलिए 100 वाले 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो 75 हो गई, तो 75 हुई, बट होनी कितनी चाहिए थी 100 होनी चाहिए थी, तो इसका मतलब क्या हुआ 100 में से 75 घटा दें तो क्या आ गया 25% की उसमें कमी आ गई, कम रह गई। ये है 6.4 का कितना प्रतिशत है, इसको प्रतिशत में निकालना है तो डिवाइड में करेंगे अब जो है, तो ये आ जाएगा आपके पास में इस तरीके से। तो इसके लिए अगर हम करें इस तरीके से आ जाएगा 6.4 और इनटू में यहाँ 0.04 और ऊपर वाले के नाम का जो है दशमलव के नाम का एक 10 नीचे आ जाएगा, नीचे वाले का ऊपर चला जाएगा, तो एक से एक एक कैंसिल, ऊपर आ गया 640 और ये बटे में 4, तो इसको काटेंगे तो हमारे पास में 160 आ जाएगा प्रतिशत। नेक्स्ट है, 20,000 रुपये का 20% का 15% का 10% क्या होगा। ये पीछे वाली वीडियो के अंदर भी हमने किया था, जो भी प्रतिशत बोलता जाता है वो 100 में से हो रहा है, इसका 20% 100 में से 15% और फिर जो आपके पास में 10%, जो कटता है वो हम काट देंगे 2 0 से 2 0 2 0 से 2 0, ठीक है, इस 0 और इस 0 से ये 0, 15 दुनी 30 30 दुनी 60, तो हमारा 60 हो जाएगा 20,000 का 20 का 15% का 10%। नेक्स्ट है, एक संख्या में 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है, इस संख्या का 59% क्या होगा। देखो
42 और इसके बीच का अंतर है, तो मतलब इस 42 में से 28 को घटा दें तो मतलब 14% का वैल्यू का मूल्य है 210। 1% का कितना आ जाएगा दोस्त, 14 जो डिवाइड में हो जाएगा 210 बटे में 14, तो हमारे पास में आ गया 15। तो 59% का निकालना है, तो कंप्लीट जो निकालेंगे तो कंप्लीट तो हो जाएगा ये 100% का, तो ठीक है। 59% का निकालना है तो 59% के लिए क्या करेंगे हम, इस 15 को 59 से गुणा कर देंगे, तो 15 में 135, 13 और 15 पंजे 75 और 13 ये हो जाएगा आपके पास में 88। तो ये आ जाएगी आपके पास में वैल्यू इसकी की संख्या 59% क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये था आपके पास में। नेक्स्ट है 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा, वही जो है 25% तो 25/100, 1/100, 1/100, तो 2 0 से 2 0, 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 1 0 ये यहाँ रह गई, 2 0 यहाँ रह गई, मतलब 3 हो गई नीचे 0, 1000 हो गया 25 के बटे में, तो 3 से पहले ही डेसिमल लग गया, दशमलव लग गया, 0.025 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हों, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो तीसरी संख्या ये, उसे 30% तो 30 और उसे 40% तो 140, दोनों का अंतर बताना है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत है। प्रतिशत निकालना हो तो तब क्या करें, दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो दूसरी संख्या बटे में पहली संख्या और गुणा में 100, तो यहाँ पे 130 आएगा, ये जो 100 लिखा हुआ है गलती से, तो तब आपके पास में जो सोल्व करेंगे हम, सॉल्यूशन करेंगे, तो ये आ जाएगा आंसर 107.69%। 1/2 प्रतिशत का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। देखो प्रतिशत होता है जो भी वो हमेशा ही 100 में से होता है, तो 1/100 हो गया, तो 1/100 हो गया 0.005, ये आपके पास में आ जाएगा। नेक्स्ट है यदि ए का 60% बी का 3/4 हो तो ए और बी का रेशो निकालना। देखो एसएससी परीक्षा 2010 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ए का 60% हमने लिख लिया सिंपली, जो बोल रहा है वही लिख लेंगे, ए का 60% ये होगा, बी का 3/4, बी का 3/4 मतलब 3/4 से गुणा कर लिया, ठीक है। ये इसको काटेंगे यहाँ पे तो ये भी आ गया 3/5, तो बी ए बी को इधर ले आए मान लिया और बाकी को इधर ले करके जाएँ, तो या फिर ऐसे कर सकते हैं 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 1/5, 1/5 आ गया और ये 1/4 हो गया। तो ये इस तरीके से अगर हम लें तो इस बी को इधर ले आए और उसको इधर लेकर जाएँ, रेशो आ गया हमारे पास में 5:4, 5:4 हमारे पास में ए और बी का अनुपात आ जाएगा। नेक्स्ट है 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, इस संख्या का 2/5 कितना होगा। देखो 740 का 35% ये हो गया, 34 अधिक है तो उसमें से वो घटा दें तो बराबर आ जाएगा उस संख्या के, उसमें से वो घटा दिया, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं हम काट करके, तो तब हमारे पास में आता है 259, और इस 259 का इस संख्या का 2/5 बताना है, तो 2/5 इसका परसेंट, सॉरी 2/5 टाइम्स इसका क्या हो जाएगा, तो हम इसको काटेंगे तो 103.6 आ जाएगा, 103.6 आ जाएगा आंसर। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, इसे आगे एक और पार्ट बन जाएगा इसके अंदर, जो कि क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उसकी सब टाइप्स हम जो परसेंटेज से रिलेटेड हैं वो इस वीडियो के अंदर और इससे आगे वाली अगली वीडियो के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे। अगर फिर भी कोई अगर डाउट रहता है आप लोगों को तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, किसी टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।